वेलकम टू अलीनास कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ चिकन विद व्हिप्ड क्रीम। तो चले शुरू करते हैं। लिया है मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन, 2 अदद प्याज जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया, 1 अदद टमाटर और आधा कप लिया है व्हिप्ड क्रीम और आधा कप कुकिंग ऑयल। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे और उसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और प्याज जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था वो ऐड कर देंगे। से 3 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लेंगे। अब हम 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे और जो टमाटर ली थी मैंने एक बड़े साइज की, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था वो भी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर। अब सब मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मैं अक्सर ही अपनी वीडियो में कहती हूँ कि आप अपनी मर्जी से मसाला जात कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसाला हमारा भुन चुका है। अब हमने जो चिकन लिया था 500 ग्राम वो ऐड कर देंगे जो बोनलेस चिकन है। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे और चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। हम चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद जो मैंने आधा कप व्हिप्ड क्रीम ली थी वो ऐड कर देंगे। अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और देखें चिकन हमारा तैयार है। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े की बनने वाली डिश है। आप भी बनाएं और बताएं आपकी कैसी बनी। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।